नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं पब्लिक टुडे न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज पाने के लिए पब्लिक टुडे न्यूज चैनल को नीचे दिए रेड बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबर सबसे पहले मिल पाए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मोदी सरकार की काफी योजनाएं देश के अंदर बेरोजगारी दूर करने के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए काफी बड़ी योजनाएं मोदी सरकार के द्वारा लॉन्च कर दी गई है। इन योजनाओं के बारे में हम आपको बारीकी से बताने वाले हैं। उससे पहले आप सभी से गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को नीचे दी रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले हम नजर डालते हैं जनधन योजना अकाउंट के बारे में। आपको बता दें कि अगर आपके खाते में जनधन योजना अकाउंट है तो आपके खाते में पैसे आ चुके हैं। काफी बार कहा जा चुका है कि मोदी सरकार किसी प्रकार के पैसे नहीं दी जा रहे, मोदी सरकार ने किसी को पैसा नहीं दिया। आपको बता दें कि अगर आपके पास जनधन योजना अकाउंट है तो आपके खाते में जो है 2,00,000 रुपए आ चुके हैं। और आपको बता दें कि आप जनधन योजना अकाउंट चेक कर सकते हैं, अगर आपके अकाउंट में किसी भी लापरवाही की वजह से अगर पैसे नहीं आए हैं तो आपको बताने वाले हैं वीडियो के अंत में कि आप पैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं अगर आपके अकाउंट में जनधन योजना के अकाउंट के पैसे जो अभी तक नहीं आए हैं। तो ये इसके बारे में हम लास्ट में चर्चा करने वाले हैं कि कैसे आप पैसे प्राप्त कर सकते हैं अगर आपके अकाउंट में अभी तक पैसे नहीं आए हैं। सबसे पहले आज की एक बड़ी खबर पर नजर डालते हैं कि महिलाओं को दी जा रही है सिलाई मशीन बिल्कुल फ्री। मोदी सरकार की तरफ से महिलाओं को सिलाई मशीन बिल्कुल फ्री दी जा रही है। इसके लिए आप नजदीकी कंप्यूटर सर्विस सेंटर से आवेदन कर सकते हैं या गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके centergovernment.in पे वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको बता दें कि हर घर के अंदर गैस सिलेंडर यूज किया जाता है, तो मोदी सरकार ने गैस सिलेंडर योजना के तहत हर घर तक गैस सिलेंडर पहुंचाने का वादा किया है। और साथ में जिन गरीब परिवारों की गैस सिलेंडर की कॉपी नहीं है, जिन पास गैस सिलेंडर का कनेक्शन नहीं है, उनको फ्री में गैस सिलेंडर कनेक्शन देने का ऐलान किया गया है मोदी सरकार के द्वारा। साथ में आपको बता दूं कि गरीब परिवारों को 100 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी भी मिलने वाली है। जिन लोगों ने सब्सिडी छोड़ी है उनका हार्दिक दिल से मोदी जी ने धन्यवाद किया है। और जो गरीब परिवार है उनको 100 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी मोदी सरकार देने वाली है। चलिए नजर डालते हैं पेट्रोल के बारे में। आपको बता दें कि पेट्रोल के दाम आज काफी बड़े अंकित किए गए। पेट्रोल का दाम 74 रुपए और डीजल का दाम 66 रुपए आज देश की राजधानी दिल्ली के अंदर देखने को मिला। साथ में आपको बता दें कि पेट्रोल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है कि पेट्रोल के दाम उतरे 70 रुपए जा सकते हैं, 80 रुपए तक पेट्रोल जा सकता है और डीजल 70 रुपए तक जा सकता है, ये विशेषज्ञों का कहना है। आपको बता दें कि अगर आपके पास जो है सरकारी रोड पे जमीन है तो आप अपनी जमीन लीज पे देके सरकार के द्वारा रेंट प्राप्त कर सकते हैं। सरकार वापस सरकारी पेट्रोल पंप खोलेगी और आपको सालाना 10,00,000 रुपए की इनकम जो दी जा सकती है। ये सरकारी पेट्रोल पंप के लिए आपकी जमीन लीज देने पे ही आपको जो इनकम मिलेगी। साथ में आपको बता दें किसान भाइयों को SBI बैंक की तरफ से काफी बड़ा ऑफर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि जो किसान भाई लोन लेने के इंटरेस्टेड है वो SBI की बैंक की तरफ से फ्री ऑफ इंटरेस्ट लोन ले सकते हैं। यानी साफ साफ शब्द में आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप 10,00,000 रुपए का लोन लेते हैं तो आपको SBI बैंक को 10,00,000 रुपए ही भरने पड़ेंगे, यानी आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा और 10,00,000 रुपए भरने के बाद आपको फ्री ऑफ इंटरेस्ट लोन प्राप्त हो जाएगा। चलिए नजर डालते हैं देश की सबसे बड़ी खबर के बारे में। पाकिस्तान ने भारत से 1,37,00,000 रुपए की दवा मंगवाई। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने इंडिया से 1,37,00,000 की दवा का ऑर्डर किया है। पाकिस्तान इन दिनों काफी बड़ी महामारी से जूझ रहा है। चलिए नजर डालते हैं देश की अगली सबसे बड़ी खबर के बारे में। आपको बता दें कि आपको स्कूटी मिलने वाली है 999 रुपए में, यानी 100% फाइनेंस और डिस्काउंट के साथ मिल रही है सुजुकी की ये शानदार स्कूटी सिर्फ 999 रुपए में। यानी आपको 999 रुपए पे करने हैं और 999 रुपए पे करने के बाद ये स्कूटी आपके पास होगी और आपका फाइनेंस बिल्कुल 0% ऑफ इंटरेस्ट होगा। और 100 रुपए जो है देने के बाद आप इसके लिए जो स्कीम के तहत मारुति सुजुकी की एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं, सुजुकी की स्कूटी को प्राप्त कर सकते हैं ओनली 999 रुपए में। चलिए नजर डालते हैं देश की अगली सबसे बड़ी खबर के बारे में। भारत में खेले जाएंगे अगले वर्ल्ड कप के सभी मैच। साल 2023 में 9 फरवरी से 26 मार्च तक होने वाले वर्ल्ड कप के सभी मैच भारत के अंदर खेले जाएंगे, सबसे बड़ी खबर। चलिए नजर डालते हैं देश की अगली सबसे बड़ी खबर के बारे में कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दोनों टीमों में बांट दी जाती। काफी लोगों का दावा है कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड के बीच जो है कांटे की टक्कर वाला मैच के अंदर जो है 2 बार मैच टाई हो चुका और लास्ट के अंदर इंग्लैंड को ट्रॉफी दे दी गई। और ये काफी बड़े जो है फैन के द्वारा उम्मीद की जा रही है कि काश ये ट्रॉफी दोनों टीमों के बीच बराबर हिस्से में बांट दी जाती। चलिए नजर डालते हैं देश की अगले सबसे बड़ी खबर के बारे में। आज जो है ऋतिक रोशन एंड टाइगर्स की आने वाली मूवी वॉर का ऑफिशियल टीजर लॉन्च हो चुका है, जारी हो चुका है। ऋतिक और टाइगर की वॉर का ऐलान हो चुका है। अब तक ये होगी सबसे बड़ी एक्शन फिल्म, ये सबसे बड़ी एक्शन फिल्म बनने जा रही है, 2 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है। सबसे बड़ी एक्शन फिल्म है जिसके अंदर आपको ऋतिक रोशन एंड टाइगर श्रॉफ आपस में फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं देश की अगली सबसे बड़ी खबर के बारे में। साक्षी मिश्रा इन दिनों काफी बड़ी सोशल मीडिया पर विवादों में घिरी हुई है। साक्षी मिश्रा की मां की तबीयत जो है खराब बताई जा रही है। भाई ने कहा सदमे में है मां। आपको बता दें कि साक्षी मिश्रा जिन्होंने घर से भागकर शादी की एक दलित परिवार के लड़के से, उनकी मां की तबीयत काफी बड़ी खराब बताई जा रही है। क्या साक्षी मिश्रा ने सही फैसला लिया, इसके बारे में जरूर वीडियो में कमेंट कीजिएगा। मैं पब्लिक टुडे न्यूज वार्ता से गुजारिश करता हूं इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो ये बताने वाले कि जनधन योजना के अकाउंट के पैसे अगर आपके अकाउंट में अभी तक नहीं आए हैं तो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो अपना जनधन योजना का अकाउंट आधार कार्ड से लिंक करना होगा।
आधार कार्ड से लिंक करने के बाद आपके आधार कार्ड के पीछे एक मोबाइल नंबर होगा, उस मोबाइल नंबर पे कॉल करके जो आप इसकी सूचना दे सकते हैं या आप नजदीकी कंप्यूटर सर्विस सेंटर से इसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं कि आपके पैसे अभी तक नहीं आए हैं। ब्रेकिंग न्यूज पाने के लिए पब्लिक टुडे न्यूज चैनल के साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबर सबसे पहले मिल पाए।